हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? के आई होप के अच्छे होंगे। तो आज सुबह के 5 बजे से ही मैं लग गई हूँ किचन में, और किचन में है ना मैं बना रही हूँ खाना। और खाना आज मुझे इतनी जल्दी बनाना पड़ रहा है 5 बजे जग के। और आप देख सकते हो मैं ना 5 बजे, वैसे तो मैं जगती नहीं हूँ, 6 बजे ही जगती हूँ, बट आज मैं 1 घंटा पहले ही जग गई थी। और आज हस्बैंड जी के लिए खाना बन रहा है क्योंकि आज वो जा रहे हैं गांव और अब उनका काम स्टार्ट हो रहा है थोड़ा बहुत, तो इसीलिए उनको जल्दी खाना बनाना मुझे था, तो वही मैं बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने आलू कट कर रही हूँ। आलू की सब्ज़ी ही उनको ज़्यादा पसंद है, तो उनके लिए मैं आलू की बना रही हूँ। उनको और आयु को, दोनों लोगों को बस आलू दे दो तो वो जितना चाहे उतना ही खाने लगेंगे। आलू से उनका मन नहीं भरता है कभी, आलू और दाल। तो अभी मैं ना तड़का लगा इसको, आलू को फटाफट से फ्राई कर दूंगी। तो मैंने आलू और प्याज है ना, आलू प्याज हनी सॉरी आलू अलग से कट कर लिए हैं, और अभी प्याज और इसको पहले मैं आलू को अच्छे से फ्राई करूंगी क्योंकि मैं इस तरीके से बनाती हूँ आलू। आप किस तरीके से बनाते हैं कमेंट में बताइएगा। तो इधर आलू फटाफट कट कर लिप डाल दिए मैंने। जब तक आलू और जीरा डाल के इसको अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, तब तक मैं ना लहसुन अदरक और जो क्या बोलते हैं उसको प्याज, इन तीनों को मैं अच्छे से कूट लूँगी क्योंकि मेरा छोटा वाला है ना जार था वो जो ख़राब हो गया है, तो मुझे इसे कूट के ही डालना पड़ता है आजकल खलबत्ते। काफ़ी दिनों बाद ये खलबत्ता मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि पहले तो मैं ये रखा ही रह गया था, मतलब मैं यूज ही नहीं करती थी इसको, ऊपर रख दिया था मैंने। बट कहते नहीं कभी कभी कुछ चीज़ें काम आ जाती है, तो आज वही काम आ गया मेरे। और इधर मैं आटा भी लगा लूँगी, सब्जी मैंने छोंक दी है, सब्जी भी हो रही है इधर और मेरी आटा भी लगा लूँगी फटाफट क्योंकि उनको लेट हो जाएगा, तो पहले मैं दोनों काम कर लूँगी। और खाना मैं एक साथ ही बना लूँगी सारा अभी ही मॉर्निंग का, क्योंकि पीहू भी स्कूल जाएंगी ना इसीलिए, तो पीहू का भी वैसे भी मुझे 6 बजे जग के बनाना पड़ता है, तो अभी साथ में ही हो जाएगा खाना। तो इधर आलू की सब्जी भी बन रही है और आटा भी लगाते जा रही हूँ। और महिलाओं के पास बहुत ज़्यादा काम होता है यार, सुबह सुबह अगर काम का अगर रहता है ना। और पता है एक चीज़ हो रहा है, अगर आप लोग जैसे हम लोग वुमेंस जो भी हैं सब लोग जल्दी अगर जग गए ना तो अपना काम जल्दी हो जाता है, अपने को बहुत खुशी होती है कि हाँ यार आज अपना काम जल्दी हो गया है, चलो इतना समय अलग से मिला अपन लोगों को। बट फिर भी घर में बहुत से काम रहते हैं यार जिसमें उलझ के रह जाते हैं। इधर फटाफट मैं आटा भी लगाते जा रही हूँ, अपनी सब्जी भी बन रही है। उसके बाद मैं ना बर्तन भी हाथों हाथ धो के, मतलब मेरी आदत है मैं दो दो चार चार पांच पांच बर्तन ना जो रहते हैं उनको धो धो के रखती रहती हूँ ताकि बर्तन इकट्ठे नहीं होते, और जब ज़्यादा हो जाते हैं ना जान पे आती, सच बताऊँ मेरे बहुत जान पे आती बर्तन धोने में। जान पे इसलिए आती क्योंकि जब ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं ना तो यार एक तो सिंक पूरा भर जाता है, रखने की जगह नहीं है, छोटा सा किचन है, तो मुझे समझ में नहीं आता। इसलिए मैं सोचती हूँ कि यार दो दो चार चार अगर बर्तन धो लिए जाए तो ज़्यादा काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मैं आता आती जो मैंने सब्जी बनाई थी उस मसालों के सारे बर्तन जो थे उनको धो के रख दिए हैं, और किचन भी अपना साफ़ करती जा रही हूँ साथ साथ में, क्योंकि रात में तो मैं बर्तन धो के ही रखती हूँ क्योंकि चूहे आजकल बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर देते हैं। और पता है आप लोगों को मेरा कैसरोल भी पूरा खा गए हैं चूहा, कुतर कुतर के उसको चूहे ने कैसरोल को पूरा ख़राब कर दिया, और मेरा उसमें मन ही नहीं हो रहा रोटी रखने का, तो मैं इधर अभी स्टील के तसले में ही रोटी रख रही हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है यार, चूहे पूरा गंदगी फैला देते हैं, सच में बहुत ज़्यादा गंदा फैलाते हैं। तो मैं किचन में कुछ भी चीज़ नहीं रख रही हूँ अभी, जब से चूहे ज़्यादा हो गए ना, मतलब बड़ा चूहा आ जाते हैं ना तो वो बहुत परेशान करते हैं, तब से मैं ना एक भी चीज़ किचन में बहुत ही कम, खाना तो मैं कुछ भी नहीं रखती हूँ, सारा फ्रिज में उठा कर रख देती हूँ जो भी बचता है नाइट का खाना। दिन में कोई ऐसा इशू नहीं है, बट नाइट में ज़्यादा परेशान करते हैं चूहे। और बर्तन भी सारे धो के रख देती हूँ, अगर बर्तन सिंक में डले रहे ना तब तो और ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं वो। तो किचन मुझे सुबह पूरा ही जगने के बाद सबसे पहले किचन धोना पड़ता है, पूरा साफ़ करना पड़ता है, फिर मेरा खाना बना पाती हूँ मैं, क्योंकि रोटियाँ मैं नीचे बनाती हूँ। वैसे भी पूरा किचन मुझे अच्छा रहता है कि साफ़ करके ही मैं खाना बनाऊँ। तो इनका टिफिन हो गया है तैयार, टिफिन मैंने लगा दिया और ये भी जग गए हैं अभी, अपना ब्रश वगैरह अपना फ्रेश हो रहे हैं जब तक मैं इधर चाय बना देती हूँ इनके लिए। तो ऑलमोस्ट खाना मेरा बन गया है और मैंने इनका टिफिन भी लगा दिया, और अब मैं खाना चाय भी बना लेती हूँ क्योंकि यार 6 बज गए हैं तो दूध आ गया था, और पता है अभी भैंस का दूध नहीं ले पा रहे हैं ना, तो ऐसा ही हो रहा। देख लो तो बस कढ़ाई को अच्छे से साफ करें, मैंने आपसे बोला था पर मेरी कढ़ाई काली हो रही है, साफ कर रही हूँ। और सच में मैं इसको साफ ही रखती हूँ,
पता है जब पहले मेरे पापा जी थे हमारे ससुर जी जो वही साफ कर देते थे पहले मेरी कढ़ाई ले आते तो उठा के बाहर बढ़िया साफ कर देते थे ईंट वगैरह से बढ़िया से मान मिला के एकदम चमका देते थे। मम्मी आप दीदी तो वो सिलाने आई थी ना आ? दीदी तो सिलवाने आई थी ना दीदी सिलवाने बाद में आएंगी दीदी माने आने तो बात तो बड़ी बीट की बनाएगी वीडियो चलो तो बना लियो ले 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 ये लो तुम ले लो अरे नहीं ले लो रेंदे अरे रेंदे देख ले अपने बोतले थर्मस नले हाँ नले हाँ फले और बताओ फायर तक आती है आग बुझाती है इसको यज्ञ बोलते है यज्ञ गुड माँ बैठ के बनाओ आयु मेरा कितना पढ़ना सीख गया है ना आयु अब तुम फिर से बताओ फ्रेंड को बताओ कि मैं तुम क्या क्या पढ़ना सीख गया सो फ्रेंड आयु आज पढ़ाई कर रहा है और बहुत कुछ आता है आयु को सच आयु अभी कुछ पढ़ पाता है मैं आयु को फिर से स्कूल डालूंगी मेरा नाम बता दिया है कुछ प्रॉब्लम बनाना जा रहा था ना इस नल में से पानी लू इस नल में से लू मैं ये वाला लूंगा ये ताजा पानी है।